दोस्तों तुसी पहले कई एपीसोड देख चुके हो कि रेलवे लाइन एक इत्थों फाजिलका तो लैके चानण वाली मंडी तक, चानण वाली मंडी तो अगे अमरूका रेलवे स्टेशन दे नाल जुड़दी सी, उस तो अगे कराची तक जांदी सी, पर एक रेलवे लाइन होर भी सी, वह कीड़ी सी ते कित्थे जाके वह खत्म हुई है, किस चीज़ के लिए वह प्रयोग की जाती सी वह रेलवे लाइन, तो वह रेलवे लाइन के बारे जानकारी सानू दे रहे हैं सरदार जीत सिंह जी, फाजिलका के वासी ने, तिंगड़ा कलोनी दे विच रहिंदे ने। उन्हां तों पुछदे हां कि इस रेलवे लाइन की की उन्हां नूं जानकारी है, की उन्होंने कदे देखी सी यह रेलवे लाइन ते कदों उखाड़ी गई है, तो सरदार जीत सिंह जी साढ़े नाल ने, उन्हां तों पुछदे हां यह जानकारी। ये बहुत पुरानी है, आज तो 100 साल तो भी पहला तो ये लाइन चलती है, ये हुण इहदे विच दरखत उगे आए ने, ये अजे भी किलोमीटर तक अगे लाइन खड़ी है, तो इस करके इस लाइन नूं बंद कर दिता गया। पहले चलती सी चानण वाले, चानण वाले तो अमरू वाले, अमरू तो बेली जाती, बेली तो जाती सी मुल्तान, मुल्तान तो कराची जाती सी, तो इस लाइन नूं 1960 दे विच ये अमरू वाले तो और झूड़ी वाले चिश्ती तो और ये सारी लाइन पट दी गई 1960 दे विच। ये सारी जिहड़ी बेली जांदी सी वह दरिया परो चढ़िया, तो उन्हें 3-4 जगह तो बेली दे कोलों ते थाणा आमदियार कोलों ते सौकियां पिंड दे कोलों उन्होंने पाड़ पाता, ये लाइन अंग्रेज गौरमेंट नूं पटनी पई, उन्हें सीधी मिटड़ुए नूं ते चिश्ती वाली मंडी नूं ते बावलपुर नूं कट दित्ती लाइन। ये फिर बाद विच उधर दी लाइन उधर उस पासे जा रही है, मुल्तान नूं जांदी सी। अच्छा, तुसीं ये गल कर रहे हो कि यह लाइन हैगी जिहड़ी ये मुल्तान तक जाती सी? हाँ जी, मुल्तान तक जाती। ठीक है, पर एक होर भी इतों रेलवे लाइन जाती सी जिहड़ी सुलेमान की हैड तक जाती सी, वो की कहानी है, वो थोड़ी जी विस्तार नाल दस्सो। सुलेमान दे जिहड़ी जाती सी सिर्फ हैड बनाने वास्ते जाती सी, हैड दा समान मटीरियल उत्थे पहुँचाती सी हैड तक, हैड तो अगे कोई नहीं जाती सी, सिर्फ ये अमरू वाले तो बेली वाले पास जाती सी। ये बाद विच जदों हैड बनया ये लाइन पट दित्ती गई है, ये झूड़ी वाले चिश्ती के कोलों पक्का पिंड के कोलों सीधा ही हैड तक सिर्फ गड्डी जाती सी, जिंदे उत्ते वो जितना भी पुल का समान सीगा ये सारा हैड वास्ते समान पहुँचाण वास्ते उतों तक रेल कढ़ी सी। अच्छा, ये रेलवे लाइन पट्टी सी, ये कदों पट्टी है जी, दूजी बारी बिछाई है उधर हैड वास्ते? जी हैड वास्ते वो इस तू मतलब पहला पट्टी गई कोई मतलब 40-50 साल पाकिस्तान बनया, तो उस पिछे छेती पट्टी गई है, तो जी दूजी लाइन हैगी जी अगे मुल्तान नूं जांदी है, ये 1960 च लाइन पट्टी गई है। अच्छा, तुसीं दस रहे हो कि ये रेल लाइन जी है सुलेमान की हैड तक जाती सी? हाँ जी। तुसीं देखी सी ये रेलवे लाइन उधर? नहीं जी, गोला बनिया मैं देखिया सी, ते बाकी ए जिन्हां ना उस तो बाद ए इधर दी लाइन जिहड़ी जांदी पाकिस्तान नूं ए मैं देखी हुई है, वह लाइन पट दित्ती गई सी पाकिस्तान 40 तो पहला पट दित्ती गई सी। अच्छा अच्छा, जदों हैड बन गया उन्हें लाइन उदों ही पट दित्ती सी। मतलब भी सिर्फ ये जिहड़ी लाइन बनाई है ये हैड बनाने वास्ते? ये हैड बनाने वास्ते ये अपने चानण वाले तो मतलब झूड़ी वाला तो पिंड पक्के नूं ते हैड सुलेमान तक मतलब गड्डी जांदी सी, वह गोला अजे भी किते खड़ा है, तो वह बाकी का तो लोगों ने करा के जमीन बना ली, ये सिर्फ हैड वास्ते लैंड सी, बाकी लैंड जी मुल्तान जाती सी। अच्छा अच्छा, मतलब इतों गए चानण वाली मंडी उत्थे रेलवे स्टेशन तो लैके तो दूजी लाइन जी निकलती सी झूड़ी वाला चिश्ती गई, हाँ जी, अगों पक्का पिंड आ गया, हाँ जी, है ना, पक्के पिंड तो अगे सादकी ते सुलेमान की हैड, सुलेमान हैड, सुलेमान की हैड ते समान उतारदे सीगे उत्थों ट्रेन फाजिलका वापस आ जांदी सी, जिस तरह फिरोजपुर तो जाती अपने की उन्होंने बोलते हैं हुसैनी वाले हैड, तो उतों वापस आ जाती है, इस तरह ये गड्डी हैड तो वापस आ जाती सी, समान पहुँचा के जितना भी हैड का समान सीगा मटीरियल सारा पहुँचा के वापस आ गई सी, तो इस तरह मतलब इनका सर्कल चलता रहा, फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया 1947 के, फिर ये 1960 लैंड बाद जी अगे जाती चानण वाले तो ये सारी इन्होंने मतलब पटती फाइल करता। तुसी एक गल होर भी दसी है कि ये रेलवे लाइन एक बार जो हड़ आया सी दरिया के, हाँ जी, उस टाइम तो पट्टी गई सी, है ना, उखड़ गई सी, वह की गल है कदों पट्टी गई? रेलवे लाइन चढ़ी बेली तो जाती सी सीधी मुल्तान। अच्छा, तो बेली तो मुल्तान जाती सी, बेली तो अगे आंदा सौकियां आमदिया थाना दे अगों सौकियां आंदा सी, सौकियां दे कोलों अगां जाती सी सीधी मुल्तान, सौकियां दे अगले पासों तो सौकियां दे उरले पासों तो एक बेली दे कोलों दरिया चढ़िया, पर इहो ही दरिया है,
ये चढ़िया तो इन्हें बहुत व्डे पहाड़ पाते, जो व्डे पहाड़ पाते ना तो अंग्रेज़ गौरमेंट ने सोचा भी ये लैन इतों कामयाब नहीं, इतों फिर टुट जाएगी। इन्होंने फिर इधरों अंबरू वाला तो मिटड़ू वाला तो चिश्ती वाली मंडी इधरों घुमा के इन्होंने कर दी सारी, ये फिर सीधी मुल्तान कराची गई। अच्छा, मतलब वो जी लाइन बनाई है वो बाद इच बनाई सी? वो बाद इच बनाई है। एदा मतलब ये होया कि कुछ समय तो लगे ही होना, क्योंकि हुण एक आप देख रहे हैं कि अपने नाल ये जी रेलवे लाइन जा रही है अबोर वल, हाँ जी, यह बनाने भी काफ़ी समय लगे सरकार नूं, है ना? हाँ, ते अंग्रेजा ने जदों वो जी रेलवे लाइन सी वो पट्टी गई बाड़ दे नाल हड़ दे नाल पट्टी गई, हाँ जी, तो उन्होंने काफ़ी समय लगे होना? समा तो कुछ लगे ही है, समय तो पहला तो बनने हुण वर्गे तो समान ही नहीं, उदों तो समान ही घट होंदे सन। वो समय दे मतलब जिहड़ा खराब होया समा उहदे नाल नुकसान भी तो होया होना ना? इत्थे उन मंडी सी तो फिर पबलिक दा हुंदा ही है, जदों सारा काम आण जाण बंद ठप हो जाए आवाजाही तो फिर तो नुकसान तो होंगे ही है। कि तुम उस ट्रेन पर कदे सफ़र किया? मैं जी आरफ मंडी तो फतने तक ट्रेन पर गया, लेकिन इधरले पासे मैं सफर नहीं किया। वो ट्रेन तो ये ट्रेन हूँ तो डीजल इंजन है, हाँ। वो किस तरह की हैगी सी शेप उसकी? कोले तो चलते सन, तो कोले तो स्टीम बनती सी, प्रेशर नाल चलते होंगे सी, ते ओ मतलब रेल जाती सी उस इंजन के नाल पुराने, हुण तां डीजल बन गए ने, वो कट रिते गए ने हुण। ते उस वक्त किराया कितना सीगा? इन्ना अंदाजा कोई होवे तुहानूं याद होवे? उदों साडा असीं तां किराया एक आना भरिया सी आरफ तों मतलब फतने तक। अच्छा। एक आना किराया लगदा सी स्टेशन दा, ते उस तों बाद डूढ़ आना हो गया, फिर इवें तरह मतलब थोड़ा घणा वधिया, मतलब कोई उदों कोई खास मतलब किराया नहीं हुंदा सी, तो पैसा बड़ा औखा बनता सी ना, पैसे गल तो पैसे बनाने दी है, उदो मतलब दुध तो कोई मुल ही नहीं लगा सी, ते कणक जी ये 3-4 रुपये मन आती सी, ते उतों फिर मतलब हिसाब ला लो, फिर इन्होंने सोन चांदी 1.25 रुपया तोला होंगी सी, 7-8 रुपये तो सोना तोला होंगे सी, अज कितने पहुँच गया। इस करके उस समय के मुताबक जो सियासत आई जनरेशन वधी उस तरह के नाल ये कीमत वधन लग गई, तो साडा नुकसान पबलिक का हो रहा है। बाकी ये है भी जो उन्होंने समा ठीक सी ना, सस्ती चीज़ा सी, पैसा औखा सी, लेकिन ईमानदारी उदो बड़ी सी, हुण ईमानदारी को नहीं रह गई। हाँ, हुण समय दे नाल नाल फर्क पै गया, समय दे नाल नाल फर्क पै गया, हुण ईमानदारी को नहीं रह गई, उदो ईमानदारी सी, किसी की चीज़ पई है वह भावें 4 दिन पई रहे उत्थे पई रहे कि कोई हाथ नहीं लाना होंदा सी, हुण तां अगले घरों कढ के ले आंदे ने किसी की चीज़, ईमानदारी खत्म हो गई है। चलो तो दोस्तों तुसी यह रेलवे लाइन के बारे नवी जानकारी है, एक कि फाजिलका तो एक तो अमरूका वल जिहड़ी जांदी है पाकिस्तान नूं ट्रेन, वह तो तुसी कई बार स्टोरियां दे विच सुनिया, पर यह नवी गल है कि फाजिलका तो एक ट्रेन जिहड़ी चानण वाली मंडी तो लैके सुलेमान की हैड तक जाती सी, वह सिर्फ समान दे वास्ते वह ट्रेन बिछाई रेलवे लाइन बिछाई गई सी। तो दोस्तों जे ये जानकारी तुहानूं वधिया लगी है तो इस नूं लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि आने वाली जिहड़ियां पीढ़ियां उन्हां नूं इस तरह की हिस्टरी की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद जी।